वाक़े करबला तारीख का दर्दनाक वाक़या है। ये इक्तदार की जंग नहीं थी, अकदार की जंग थी। दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मारका था। यजीद जुल्म का इस्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामत है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सबर का पैकर है। यजीद अपनी बदतीनत फितरत और अपनी तबे ना हमवार के बायस दुनिया पर ज़िल्लत और रुसवाई, ज़ुल्म जबर जोर और ज़्यादती की अलामत बन के उभरा। और हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हक व सदाकत का निशान बन के उभरा। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। इकबाल ने कहा था, मूसा व फिरौनो शब्बीर व यजीद, ईंद व कुव्वत अज हयात आयत पदीद, जिंदा हक अज कुव्वत शब्बीरी अस्त, बातिल आखर दाग हसरत मीरी अस्त, सुर्ख रू इश्क गयूर अज खून उ, शोखिये ई मिसरा अज मजमून उ, ता क़यामत कते इस्तिवदाद कर, मौज खून उ चमन ईजाद कर। यजीद बहदल की बेटी, मैसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मुहम्मद अरबी की बेटी फातिमा का शहजादा था। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और जरीर अख्तल जैसे ओबाशों के झुरमट में पल के जवान हुआ। हुसैन के घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धुत हो करके नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाजें तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद ने ज़िंदगी में एक मरतबा हज किया और शराब के मटके साथ लेके आया, और अख्तल और दीगर गवैयों और मुगनियों को अपने साथ रखा ताकि सफ़र आसानी से कटे। हुसैन इब्ने अली ने 25 हज सवारी होने के बावजूद पैदल किए। यजीद हज बैतुल्ला के बाद मदीनातुल मुनव्वरा आया और शराब की एक मजलस बपा की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जब वहाँ पहुँचे तो शराब की फैली हुई बदबू को महसूस करते हुए फरमाया, ये बू कैसी है? तो नशे में धुत यजीद बोला, ये शाम में बनती है। और एक जाम मंगवाया और उसको पीते हुए दूसरा जाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अबा अब्दुल्ला लीजिए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। और फिर वो इश्क़ी आशार पढ़ने लगा। जब यजीद की शराब नोशी का मंज़र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो अपनी आँखों से देख चुके थे तो मुझे बताओ, यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन का पाक हाथ कैसे आता? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस माहौल में पले थे, जिस माहौल में परवरिश पाई थी, जिस माहौल में रहे थे, वो पाकीज़ा और तकद्दस माब माहौल था। और यजीद कभी अतराफ़ दमिश्क में, कभी गोता में, कभी अलखज़रा महल में, और कभी कहाँ और कभी कहाँ दादे ऐश देता रहा और लहव लाभ के अंदर मसरूफ़ रहा।
और उसकी ज़िंदगी इन चीज़ों से इबारत थी। वो मुहर्रमात को हलाल करार देता, शराब नोशी उसकी हड्डियों में रची हुई थी और शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता। और हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की दोस्तियाँ जिन लोगों से थी वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो थे। यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमारबाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा, और हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलुओं में बैठते रहे। ज़माने ने वो मंज़र देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजराए फ़ातिमा से निकलते हैं, कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं, खुतबा छोड़ के हुजूर ने शहज़ादों को उठा लिया। वो मंज़र भी ज़माने ने देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तवील हो गया, हमें लगा या तो वही का नज़ूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन मैंने जब नज़रें उठा के नंखियों से देखा तो क्या मंज़र था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पर बैठे हुए और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं, वो मंज़र भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फ़ों को पकड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्करा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हज़रत उसामा बिन जैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था, मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी, हुजूर तशरीफ़ लाए तो चादर ओढ़ी थी, बुक्कल की हुई थी मेरे हुजूर ने, तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंज़र मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर की बुक्कल फरमाई थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थे, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? फकाशफ़ाहू, तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। फ़ैज़ल हसन वल हुसैन अला वरकै, तो कहते मैंने अपनी आँखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया, कहा इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बोझ रखने वाला मेरे से बोझ रखने वाला है। उनकी तकलीफ़ हुजूर को बेचैन कर देती थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हज़रत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा हुसैन को चुप करवाओ, अल्लाह ताला में अन्ना बकाअहू योजीनी, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफ़ों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। ज़माने ने वो घड़ियाँ भी देखीं कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मगरब की अदायगी के लिए हाजिर हुआ और मैंने ये इजाज़त ख़ास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाज़त दें, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगरब की नमाज़ भी अदा करूँगा और फिर हुजूर से अर्ज़ करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाज़त दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया, नमाज मगरब अदा की, सलाम फिरा, तो मेरे दिल में आरजू थी मैं हुजूर से अर्ज़ करूँ, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफरत की बख्शिश की दुआ कर दें। लेकिन हुजूर इबादात में, ज़िक्र में, नवाफिल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरजू रखने के बावजूद भी अर्ज़ न कर सका। खैर
नमाज इशा का वक्त हुआ, अज़ान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा, तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गईं, माँ ने जाते ही पूछना है, हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफरत की बख्शिश की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अकदस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में ये ख्याल रह रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश व मगफरत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पर मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। चलने में थोड़ी सी रफ्तार तेज़ हो गई जिससे कदमों की आहट पैदा हुई, तो जब आवाज़ पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? पर खुद ही कहा, हुज़ैफ़ा तो नहीं? तो मेरा दिल धड़क रहा था, कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर, मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वाले उम्मे का, क्या काम है? अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अब जो काम था वो जुम्बश लब से पहले ही हो गया। यहाँ तो लफ्ज़ों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियाँ भी सुनते हैं। इकबाल बोला है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बीनिंदाए माफिस सुदूर, तेरी नज़र तो सीनों के छुपे राज भी देखती है। तो कहा, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वाले उम्मे का, अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी माँ की भी मगफरत कर दे, क्या काम है? अब जो काम था वो तो हो गया, तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा सुनो, अभी अभी एक फरिश्ता आया है जो इससे कबल धरती पर पहले कभी नहीं आया, आज पहली मर्तबा अल्लाह से इजाज़त लेके दो काम करने आया है, एक तो मुझे सलाम करने आया है और दूसरा खुशखबरी देने आया है कि आपकी बेटी फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। एक तरफ यजीद नापाक मैसून का पलीत बेटा और एक तरफ मोहम्मद अरबी का नवासा, फातिमा के दूध का असर, अलीउल मुर्तज़ा के खून की तासीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठने वाला। एक दिन हुजूर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पकड़ लिए और उनके पाँव अपने पाँव पे रखे और फिर फरमाया, बेटे आगे बढ़ो, और उनके पाँव हुजूर की पिंडलियों पे आए। फिर कहा, बेटे और आगे बढ़ो, हत्ता कि उनके पाँव हुजूर की रानों पे आए। फिर फरमाया, बेटा और आगे बढ़ो, तो उनके पाँव हुजूर के मुबारक बतने अकदस पे आए। फिर बाजुओं को खींच के अपने करीब किया और हुसैन इब्ने अली के मुँह में अपनी ज़ुबान रख दी और वो इस तरह चूस रहे थे जिस तरह खजूर चूसी जाती है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्ने अली को अपनी ज़ुबान का लुआब दहन दे करके, वो शीर रहमत दे करके, वो कौसर तस्लीम से पाकीज़ा तर आब रहमत अता करके उनकी हमेशा के लिए प्यास बुझा दी, ताकि कल करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली को प्यास की शिद्दत तंग न करे और पाए इस्तिक्लाल में लगजश ना आने पाए। इन नाजों से पाले हुए हुसैन को, इन मोहब्बतों से पाले हुए हुसैन इब्ने अली को इम्तिहान भी इतने बड़े दरपेश थे। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना परख्या जामदा है नाल अग्गां दे लग। जितना बड़ा शख्स होता है उतनी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। पैगंबर रहमत की आगोश में खेलने वाला, हुजराए फातिमा का जानशीन, मुसल्लाए रसूल का वारस, मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर के मुबारक पहलू और गोद में बैठने वाला हुसैन, हुजूर की ज़ुबान चूसने वाला हुसैन, हुजूर के कंधों पर सवारी करने वाला हुसैन, आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक सजदे की हालत के अंदर हुजूर की पुश्त पे खेलने वाला हुसैन, जिस हुसैन का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था और यजीद की करतूतों के चश्मदीद गवाह थे। यजीद जब तख्त नशीन होता है तो उसे ये फिक्र होती है कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास,
ये मेरी बैत करें। और वो वलीद बिन उकबा को लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो, और अगर बैत ना दें तो सख्ती करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा आता है कि आपको दारुल अमारत में, गवर्नर हाउस में बुलाया जा रहा है। वलीद बिन उकबा का पैगाम आपको पहुंचता है। आप उस वक्त फरमाते हैं कि इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो कुछ सवारों को साथ लिया, कहा तुम दारुल अमारत के बाहर खड़े रहना, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम इंतज़ार करना। आप अंदर गए, वलीद बिन उकबा ने मरवान को भी बुलाया था। मरवान बिन हकम, ये गवर्नर मदीना वलीद से पहले रह चुका है, तो उसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। खैर, वलीद बिन उकबा ने कहा कि ये ख़त है, हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूँ छुप के बैत नहीं कर सकता, और आप वापस पलटे। मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा को कहा कि ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकोगे और इन्हें यहीं कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुन ली। कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन उन्हीं कदमों के बल वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातब होकर कहा, मरवान क्या बोल रहा है? वो खामोश हो गया। फरमाया, तू जानता नहीं हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूं, मैं अली का बेटा हूं, हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नजूल होता रहा है, और यजीद फासिक है, फाजर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता हूं। बस हैदरी कछार से मुहम्मदी शेर निकल आया है। अब औसान खता हो गए, रास्ता छोड़ दिया, वापस आए, सैयदा जैनब से मिले, कहा मदीने को छोड़ना पड़ेगा। कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पे मुसर है और मैं किसी सूरत भी बैत नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा, मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर नूर की हुरमत पामाल हो। दोस्तों, वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्न अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोज़े पे दी होगी। हाजी या मोतमिर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा आर्जी सुकूनत इख्तियार करता है और हुजूर के रोज़ा अनवर से, उस शहर नूर से, उन गलियों से, उन बामो दर से ऐसा मानूस हो जाता है कि जब वापस पलट रहा होता है इन दुआओं के साथ कि दोबारा आना भी नसीब हो, और उसे लगता है कि मैं दोबारा भी बुलाया जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शहर हबीब छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। आज़म चिश्ती मरहूम आखिरी बार जब हुजूर के रोज़े अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोज़ा अनवर की तरफ रहे, और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है। और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा, जहाँ बदन से निकलती है आज़म, जहाँ बदन से निकलती है आज़म, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 माह वहाँ रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ,
जिसके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पा के जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या कयामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा ख़ानदान नबूवत के जितने लोग थे उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा, और रात के मौके में मदीनातुल मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके मक्का की जानब आज़म सफ़र हुए। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचते हैं, उधर कूफियों के खतूत आने शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूरत हाल मालूम करने के लिए भेज देते हैं। 40,000 कूफी आपके हाथ पे बैत कर लेते हैं। इधर 25 पैदल हज करने वाले हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को एहराम बांधते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि हाजियों के रूप में कातिल छुपा दिए गए, तो आप उस एहराम को हज की बजाय उम्रे में बदलते हैं और कूफे की जानब आज़म सफ़र होते हैं। कायनात वालों, ज़रा सीने पे हाथ रख के देखो कि यह कितना मुश्किल मरहला था इस दीन की आबरू को बचाने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके बहीखा दोस्त अहबाब अब्दुल्ला बिन उमर ये सारे रोकते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हज़रत ना जाइए, अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहाँ शहीद किया गया, लेकिन आप एक फ़र्ज़ को निभाने जा रहे हैं, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानों ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो, मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ पर अज़मत इस्लाम रह जाए, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। हज़रत इमाम हुसैन यहाँ से चलते हैं, अभी रास्ते में ही पहुँचते हैं कि ये ख़बर आती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, नोमान बिन बशीर माजूल कर दिए गए, इब्ने मुरजाना इब्ने ज़ियाद वहाँ मुतायन कर दिया गया जो सख्त गिर शख्स था, और उसने लोगों को डराया धमकाया और कूफे के लोगों के दिल बदल गए और वो बैतें तोड़ने लगे। वो मंज़र मस्जिद कूफा का कितना दिलगुदास था, जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग आपके पीछे था, जब सलाम फिरा और इमाम ने देखा कि पीछे लोग नहीं हैं, फिर लोगों ने अपने दरवाज़े भी बंद कर लिए। रात की तन्हाइयां हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं है, लोगों ने दरवाज़े बंद कर लिए कि कहीं हमारे घर में ना आ जाएं और हम मुशक्कत और हुकूमती तशद्दुद का शिकार ना हों। कितना दर्दनाक लम्हा है हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु पे, और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते हैं। आप अभी रास्ते में हैं, ये सारी कहानी पहुंचती है कि हज़रत मुस्लिम शहीद कर दिए गए और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। वो जिन्होंने ख़त लिखे थे कि हम आपके साथ हैं और हम मुंतज़िर हैं, चश्म भरा हैं, आपके कदमों की चाप सुनने के लिए बेताब हैं, आज उन्होंने बैतें तोड़ दी, 40,000 कूफी मुनहरिफ हो गए। मस्जिद कूफा का वो मंज़र किस कदर रूह को तड़पा देने वाला था। हम पिछले साल असर और मगरब के दरमियान जब कूफा पहुँचे तो सूरज डूबने के करीब था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना उदास मौसम कहीं नहीं देखा जितना उदास मौसम कूफे में देखा।
ऐसे लगता था जिस तरह कूफे की आबो हवा आज भी शर्मिंदा है। जो मुस्लिम बिन अकील और ख़ानदान नबूवत के साथ अहले कूफा ने किया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके बही खाहों ने, आइज़ा ने, अकरबा ने, दोस्तों ने, आवानो अंसार ने, साथियों ने कहा कि हज़रत हालात यकसर तब्दील हो गए, अब हमें मुराजात कर जानी चाहिए, वापस पलट जाना चाहिए। तो हज़रत इमाम हुसैन काफ़ी सोच विचार में रहे, फिर उसके बाद आपने फ़ैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा कि हज़रत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे और आप बच्चों के सामने प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ एक खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम जो मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो तुम मुझे मंज़र पेश कर रहे हो वो मेरी निगाहों में है और जो कुछ होने वाला है चश्मे तसव्वुर वो मंज़र देख रही है। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर हज़रत इमाम हुसैन के पैदा होते ही ख़ानदान नबूवत में आम थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये बात जिब्रील अमीन ने आके बताई थी, जब हुसैन इब्ने अली के साथ हुज़ूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था, हुज़ूर आपका ये बेटा अर्ज़ तफ में शहीद कर दिया जाएगा, और करबला की मट्टी ला के हुज़ूर को दी और उम्मे सलमा को हुज़ूर ने अता कर दी। हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन मैं सोई तो ख्वाब देखा कि हुज़ूर के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं और सख्त परेशान हैं, तो मैंने कहा कि हुज़ूर आपकी ये क्या हालत है, वह बेयदे ही कारूरा, और हुज़ूर के हाथ में एक शीशी है, फ़ीहा दमुन, जिसके अंदर खून है। तो मैंने कहा हुज़ूर ये क्या, फरमाया मैं कत्ल गाहे हुसैन से आ रहा हूँ और ये हुसैन इब्ने अली का खून है। तो कहा 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का ये मंज़र था, मैं कैलूला करके उठी, जब मैंने देखा तो वो शीशी जिसमें करबला की मट्टी रखी थी वो खून बन चुकी थी। तो ये खबर पहले दी गई थी, ये बता दिया गया था। फरमाया मेरे दोस्तों जो तुम मुझे बताते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूँ, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों जा रहा हूँ। तो आपका एक तारीख साज जुमला है जो करबला के फ़लसफ़े को हमारे सामने रखता है कि ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वालकुम फ़िया उस्वा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क़यामत तक जुल्म जबर और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। मेरी ज़िंदगी क़यामत तक जुल्म जबर और इस्तेहसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक़ और बातल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है, कोई बातल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है, हुदूद बिल्कुल वाज़े कर दी। इकबाल ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया, सुर्ख रू इश्क गयूर अज खून हो, शोखिए ई मिसरा अज मजमून हो, ता कयामत कत इस्तिबदाद कर, मौजे खून हो चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, अहक और बातल की राहें उजाल दी, अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है, ये मार्फत जमाने को करवाई किसने, हुसैन इब्ने अली ने करवाई रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़े और करबला में जाके खेमा जन हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है लेकिन एक कतरा आप भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं, वारिसों साकिये कौसर के, मालिक हों हौजे कौसर के और बेटे हों साकिये कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमा ज़न हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है,
9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और ज़िक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात ज़िक्र में गुज़रती है, इबादत में गुज़रती हैं। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानु अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं करूँगा, और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूँ। जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हज़रत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हज़रत आपको छोड़ के जाएँ कहाँ, आपको छोड़ के जाएँ कहाँ, कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद और ख़ानदान की ख़वातीन मैदान करबला में खेमा ज़न हैं। दूसरी तरफ लश्कर आदा अशकिया 22,000 की तादाद में मुकाबले में, एक रिवायत 30,000 की है। इन सिर्फ 72 प्यासे लोगों के लिए, इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफ ज़दा करना था। शर्त एक या यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, एजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, ख़जानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे, सब कुछ लुट जाएगा, बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखूँगा। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज ख़ानदान नबूवत का इम्तिहान ज़माने ने देखना है। रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला, उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। लेकिन उन अशकिया के दिल पर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। एक हुर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते, तो दुनिया में भी हो रहा है, आखिरत में भी हो रहा है, आज़ादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल के दर पाए है। फिर तारीख ने ख़ानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखसूस ख़वातीन प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क हैं। हज़रत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहर फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अशकिया से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक दो शाखा तीर आता है जो हज़रत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो दो शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं, ज़िंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो ज़िंदगी का लफ्फ़ो नशर गैर मुरतब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूँ हुसैन इब्ने अली को, 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है, अब खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना शहरबानों,
उम्मे रबाब, सैयदा जैनब, हज़रत सकैना सलामुल्ला अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर, कोहराम मच जाता है खेमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियात को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खेमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर, उधर अश्किया आवाज़ें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हज़रत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नज़र है, आँखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हज़रत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर गिरते हैं तो बाप को आवाज़ देते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर, 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थीं जो उस करबला के एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गईं। हज़रत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें, अब 71 लाशें उठा के खैमों तक पहुंचा चुके, और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही, आओ मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियाँ जो नाजों में पली थी, वो कलियाँ जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हज़रत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दलासा देते हैं, कभी हज़रत ज़ैनब को कहते हैं। हज़रत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रही, अपने दो बेटे राह खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की। लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस पामर्दी के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पर बैठने लगे और उनको घोड़े में बिठाने वाला कोई नहीं था, और जो भी सवार जाता फिर वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्ने अली लेके आते। आज हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, ज़िंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले संभल नहीं रही। हज़रत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपने हज़रत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है, और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस ज़िम्मेदारी को संभालना है और इन मुख़द्दरात इस्लाम की, इन शहज़ादियों के पर्दे की तुमने हिफाजत करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के इमाम हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ बढ़ते हैं। अब खेमों से सिसकियों की आवाज़ आ रही है, उनका सरदार, उनका ताजदार आज सब को छोड़ के करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या किया, कसूर क्या किया, इसने क्या ज्यादती की कि आज नेज़ों और अनियों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन पे टूट पड़ता है। आप फिर तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, खूने ना हक नहीं बहाया, मेरे खून के दरपे क्यों हो, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। लेकिन इब्ने ज़ियाद कहता है मुकाबले में आओ। फिर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में आते हैं, और जब घोड़े को एड़ लगा के दुश्मन अश्किया पे टूटते हैं तो फिर ऐसा मंजर होता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह आगे भागते हैं। 71 जख्म कलेजे पे लिए शुजात का ये पैकर जब मैदान में आता है, आवाज़ आती है, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है,
लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हो सकता है। ये हुसैन इब्न अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर चांद बादलों में घिर जाता है, शामी हुंडे तीर बरसाते हैं, तलवारों से आपके बदन पर ज़र्बें लगाते हैं और नेज़ों से आपके बदन को परो देते हैं। जब आपका पैराहन बाद में उतारा गया तो आपके पैराहन में 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के और 34 घाव नेज़ों के थे। जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर आए, बदन छलनी था, जख्म जख्म से खून बह रहा था, 3 दिन का प्यासा हुसैन, अल्लाह अकबर, बदन जख्मों से चूर, 71 लाशें कलेजे पे लिए, मुखद्दरात इस्लाम के पर्दे का ख्याल दिल में अलग है, लेकिन घोड़े की जीन से जब फर्श ज़मीन पे इमाम हुसैन आते हैं, ज़ुबान पे हाय नहीं, नाला व शैवन नहीं, चीखो पुकार नहीं, आते ही पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं, अल्लाहुम्मा रदन बे कज़ाए का व सबरन अला बलाए का तस्लीमन ले अमरे का, सुबहान रब्बी अल आला। मालिक घर लटा के, बच्चे लुटा के, ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को ज़ख्मों से छलनी करवा के, तीरों और नेज़ों की अनियों से अपने आप को ज़ख्मी करवा के, तेरे हुजूर सर झुका के ये करार करता हूँ कि हुसैन तेरी तकदीर पे राज़ी है। मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राज़ी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज़ आ रही है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर अनवर दस्ते कातिल ने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है झुक नहीं सकता। सर काट के नेजे की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए, और लश्कर यजीद में गोगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, और सर काट के नेजे की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज़ आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है, अल्लाह अकबर, हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कटे हुए सर का रुख ज़मीन की जानिब था और कटी गर्दन आसमान की तरफ, यूं नेज़े पे परोया गया। अल्लाह अकबर, एक शायर ने नक्शा खींचा, बांके सर नेज़े पे और सुए ज़मीं है रूह, यानी सजदा सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, अभी एक सजदा हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर काट दिया, कहा हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की तमन्ना मचल रही है। ये था हुसैन इब्ने अली का सजदा, सारी जिंदगी रब के हुजूर सजदा कजा नहीं होने दिया। आज पानी नहीं है, अल्लाह अकबर, आज तयम्मुम कर लेते हैं, आज अपने खून को ओढ़ करके हुसैन ने अपनी पेशानी अपने मालिक के हुजूर झुका करके अजीमत की वो अनोखी दास्तां रकम कर दी कि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चराग रोशन हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन और दूसरे आयान व अंसार को शहीद कर दिया गया तो इनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़ा दिए गए। हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और बाकी 71 अफराद के कटे हुए सर नेज़ों की नोक पे, और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा कि इनको रौन दो, और घोड़ों की टापों तले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके आवानों इंसार को जो है वो रौंदा गया, हत्ता कि उनकी उस्तखान मुबारक, उनकी हड्डियाँ भी चूर चूर हो गई। रौनने से कबल उनका लिबास उतार लिया, उनके कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, कैसी दर्दनाक घड़ियाँ थीं। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को शहीद किया, जब मदीनतुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुज़ुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने
का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाज़त होगी। तो वहाँ भी उन्होंने 10,000 ताबेईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला घर से बाहर निकले, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ, तुम्हारा नाम सुना है। और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो? तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। तो उनके घर उनको ले गए, तो दो कबूतर रखे थे हज़रत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्ने सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को, जो हुजूर के अलम बरदार थे फतह मक्का के दिन, उनको सत्तू पहले पिलाए और फिर उनकी गर्दन काटी गई और कहा ये है वो सत्तू जो तुम जिंदगी में आखिरी बार पियोगे। एक घर में दाखिल हुई शामी फौज, तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। तो उस खातून ने कहा तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। कहा ये हज़रत इब्ने अबी कबशा अनमारी रदी अल्लाह तआला का बच्चा है और ये वो सहाबी हैं कि जो बैतु शजरा के मौका पे हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। उन्होंने इस चीज़ का लिहाज ना किया, कहा जो कुछ है वो हमें दो वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहा है कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता वो कीमती से कीमती चीज़ भी होती तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की, 700 सहाबा हर्रा के वाकये में शहीद किए यजीद ने और 10,000 ताबेईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबरे रसूल के साथ घोड़े बांधे और वो मिंबरे रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। हजरत सईद अब्दुल मुसैब फरमाते हैं मैं नाबीना था और हुजूर के रोज़े अनवर के पास बैठा था और यजीद के सपाही आते, जो भी मस्जिद में नजर आता पकड़ के ले जाते, मुझे नाबीना समझ के छोड़ देते, लेकिन मैं परेशान था कि जोहर का वक्त होगा, असर का वक्त होगा, मगरब इशा का वक्त होगा, ना अजान ना इकामत ना जमात, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि नमाज का वक्त हो गया और कैसी मेरी नमाजों का क्या बनेगा। मैं इस फिक्र में बैठा था। लम अजल अस्माउल अजाना वल इकामत मिन कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते जब भी फिर नमाज का वक्त आया गुंबद खजरा से अजान की भी आवाज आई, इकामत की भी आवाज आई। तीन दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुरमत पामाल की, मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए और जो बदकारियां इन्होंने की कलेजा मुंह को आता है। 1,002 शीजाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुई। तीन दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्ला पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। वो तो यजीद मर गया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। यजीद के ये करतूत थे, इधर अहले मदीना को सताया उधर अहले मक्का को सताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की बेहुर्मती और तोहीन की। न सिर्फ उन्हें कत्ल किया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए। इब्ने साद और शिमर जो है वो खेमों में दाखिल हुआ और मुखदरात इस्लाम की चादरें छीनने की कोशिश की। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मुखातब होकर कहा हमारे चेहरे के रखवाले चले गए हैं, जालिम तू ख्याल नहीं करता हम रसूलुल्लाह की बेटियाँ हैं। हज़रत शहरबानो, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिम, इन तीनों को एक ऊँट पे बांधा गया और बाकी ऊँटों पे बाकी सादात को, हुज़ूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊँटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहाँ से गुजरा जहाँ लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला ना हुआ, वहाँ गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था,
अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे और सजदा ज़ैनब पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बरहना बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या मुहम्मद आहो हाजा हुसैन बिल आरा मुजम्मल बिद्दमा, या मुहम्मद आहो बनातों का सबाया रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है। बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई और फिर कहा बनातों का सबाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है, सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन का आगे आगे सर है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो ये ताराज और लुटा हुआ कारवां फिर वहाँ से कूफे में कैसे पहुँचा और कूफे के अंदर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो यजीद के दरबार में, इब्ने ज़ियाद के दरबार में वो जुर्रत आमेज जो बातें कहीं, अल्लाह अकबर, ज़ैनब की ज़ुबान में अली की खिताबत बोल रही थी और फिर दुश्मन और दोस्त सारे रोने लगे और वो क्या दिल गदास मंजर थे। और फिर ये सरों का काफ़िला और सादात किराम का मुश्कें कसी हुई हैं और ऊँटों पे बांधे हुए, इनको वहाँ से फिर कादसिया और कादसिया से फिर दिमश्क यजीद के दरबार में पहुँचाया गया और वहाँ से ये लुटे हुए, खानमा बर्बाद, ताराज लोग मदीनातुल मुनव्वरा में कैसे पहुँचे और अहले मदीना ने कैसे इस्तकबाल किया और वो मंजर कितना दिलगुदाज था जब पहले मदीना ज़ैनब से पूछते थे ज़ैनब हुसैन कहाँ है, बेमुरव्वत बेवफा तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है, अपने पैगंबर के शहजादों को और अपने पैगंबर की शहजादियों को जो दिख दुख इस उम्मत ने दिए, ये कायनात की एक अनोखी दास्तां है। अल्लाह हमें उसवाए शब्बीरी पे अमल की तौफीक अता करे और उनके नकूश पाक की बरकतें दे, अहले बैत की मोहब्बत हमारी रूहों में जज्ब कर दे और जिस अजीमत के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने दुखों को झीला, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जो के सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल के, मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डाल के, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम। ज़रा मेरे साथ ये पढ़ लीजिए, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात,
ए हयात अंदर हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।